तो मैं आपका वेलकम करा जी। पार्टी के वास्ते करा है तो मेरी कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है। कहीं को एक ही सियासत का काम करके मर गया तो कल आपकी भी आ सकती, इनकी भी आ सकती, इनकी भी आती, जो जो भी सियासत में है अल्लाह ताला अगर उसमें आपकी अगर मौत लिखा तो बराबर मौत होती मेरे भाई की। उसमें मौत लिख दिया था, हो गई मेरे भाई की मौत। आप अगर एक इंसानियत के नाते पे आए तो मेरे से बात करिए। एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को पार्टी का नहीं। सुनो सुनो, दो मिनट। मैं आपका भाई बन के आया, बस खत्म। अगर से पार्टी का रहता जी जी तो पूरी मेरी टीम रेवंत रेड्डी के साथ आता था। जी जी जी, राइट। पार्टी बाजुक हमदर्द है। और जाओ मेरा भाई को बिठाओ, मेरा भाई बन गया है ना। बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, छेड़ दो। मैं ग्रासिया से, अरे कुर्सी लाओ मेरा मैडम के आगे, कुर्सी लाओ मेरा। एक कुर्सी दे, बड़े भाई हमारे बन के बोले, आप छेड़ दो भाई हमारा। क्या कर सकता हूं आपके लिए? महमूद अली और डीसी कमिश्नर, यहां पे हमको तवक्कु लेना, क्या चीज का तवक्कु लेना है भाई? चार बार कंप्लेन करा, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक बार बुक करे भेज दिए, बार भी करे भेज दिए। मैडम को बैठा दो, कुर्सी डाल दो। मैडम आप बैठ जाइए। जेंट्स जेंट्स है जी, जेंट्स है। राशिद राशिद, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक जने को बात कर दे दो भाई, जरा बोल दे दो, बस बस। बरोबर बोलो, मैं कोई आवाज नहीं करूंगा भाई। उमर को बात करने दीजिए, फेरोज भाई के साथ में, बस। उमर बात कर लो। फेरोज भाई, उमर बात, मेरा भाई चार बार चंद्रन मुटा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया, उसका एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। इल्ला बोलते एफआईआर दिए। कैसा एफआईआर देते साहब? उन्हें जब खुला आजाद फिर रहा, एफआईआर दे दिए बोल रहे आप उसको। मेरा भाई बोल रहा पांच से छह जनों के नाम लिखाया कि इल्ला मेरे को जान से मार देते बोल के, इसके बाद एक्शन क्या लेना भाई? फिर उस भाई आप बताइए। बराबर, केस बुक करना, केस बुक करना, लाके क्या करना उन लोगों के साथ में, जैसे रिमांड करना। इन्हें बोल रहा भाई मेरे को इल्ला मार देने वाले है। कितने बार बोला? चार बार। उसकी हर वीडियो में देखिए आप, एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा जो है सो ऑफर मर्डर लिए हुए लोग मेरे को मार देना चाह रहे हैं। मैं फिर भी जो है सो खुला फिर रहा हूँ, मैं जो है सो मरद का बच्चा हूँ, मैं गिदड़ों के साथ चार को ले लेके फिरने वाला नहीं हूँ, अकेला फिरता हूँ, कहीं भी मेरे को मार सकते तुमला, मैं आवाम का काम करने वाला हूँ बोल के बोला ये बात। ना तो ACP साहब कुछ करे, ना तो DCP साहब कुछ करे, ना तो कमिश्नर साहब कुछ करे, ना तो होम मिनिस्टर साहब कुछ करे। होम मिनिस्टर के बाद में और एक DCP साहब, क्या नाम है उनका? रुपेश या DGP अंजनी कुमार। DGP अंजनी कुमार भी कुछ भी नहीं करे, उनका भी लेटर ले लेके आके स्टैम्प के साथ में लाया मेरा भाई, कंप्लेन दिए बात। फेरोज भाई जलपल्ली म्यूनिसिपल में काम करने से क्यों दुश्मन बन गए? उनकी आईमा बाहर निकाल के बता रहे थे क्या वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनके दुश्मन बन गए, इतने दुश्मन बन गया। तो आप पूरे निकाला, यस बेहतरीन, क्योंकि अरे एक आदमी को सात आदमी मिलके मारते है, बुला के एक आदमी को सात आदमी मारते है, बहादुरी है मेरा भाई। किसी को नहीं लग गया यहाँ सामने से, क्या सामने से क्या? मैं बोला अब भी आता हूँ, मिल के गया उन्हें, बस फोन आया, इसको फोन आया, ऑफर मटर दिए हुए बोल के मालूम है इसको, फिर भी अकेला गया जिगर रख के। मेरी अगर मौत रहेंगी तो मैं मरूंगा वहाँ पर। बात करने बुला के जैसे धोखे में मार दिया फेरोज भाई, राइट। बात करने बुला तो आप सब भाई, बस बस बस, एक मिनट। जब ये बात आप लोग पूरे बोल रहे ना भाई, देखिए जैसा मैं ये भाई, सईद के बारे में जैसा मैं सुना, इमीडिएटली एक सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आया कि ये ऑफर मर्डर है। लौंडे पोटों को कोई की ऑफर दिया, अब वो कौन दिया आप लोग मेरे को हिंट दियो, बराबर मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, बराबर जितने भी जने हैं उनको पुलिस रिमांड में लेंगे, 1 वीक का पुलिस रिमांड लेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, थर्ड डिग्री करवाने लगा। तो आज पूरा टेक्नोलॉजी है, किसका फोन कौन से टाइम पे आया, कौन सा किसका टावर था, कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था, पूरी चीज तल तक निकालेंगे। और गवर्नमेंट जो भी अभी आप बोले, आप महमूद अली से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, इंस्पेक्टर से मिले, DGP साहब से मिले, और कंटिन्यूसली सोशल मीडिया के अंदर सईद बोलते जा रहा था कि मेरी जान का धोखा है,
और मेरी गलती ये है कि मैं सच को बेनकाब कर रहा हूँ और चंद बट्टेबाजा जो है जो आज ख्यादत में है मैं उनके लंगे कामों को पब्लिक में रख रहा हूँ। मेरा कोई भी मफाद नहीं है गरीब का काम होना, मजलूम का काम होना, गरीब का काम होना, मायूस का काम होना बोल के एक बेहतरीन सोशल वर्क आपका बच्चा कर रहा था। अल्लाह की क्या मर्जी है आज उन्होंने हमारे बीच में नहीं है, मगर आज जो भी नहीं है अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे। और एक 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 सेंट साहब, और जो सईद है, सईद से आज पहली टाइम में मिल रहा हूँ, मगर पहली टाइम मिल रहा हूँ, मगर एक हीरो से मिल रहा हूँ, मैं हीरो के वैसा मारा। और आज 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 जाते जाते एक इनकलाब लेके आया अवाम के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए, मजलूम के लिए। इंशाल्लाह इसकी जो भी कुर्बानी है इसको अपन खाली जाने नहीं देंगे। आप और हम मिलके जो भी इसके पीछे सही आदमी, बड़ा आदमी, छिछोरा आदमी, लंगा आदमी, उसको अपन बाहर लाएंगे। मैं आज आपके पास आया आपके गम में शामिल होने के लिए, और जब तक इसके जो भी अक्यूज है उनको अपन सजा नहीं दिलाएंगे मैं आपके साथ हूं साहब। उसके लिए आप मेरे को ये बात बोलिए कौन इन्वॉल्व है। एक मैं बात बोल रहा हूं, बात बंद दीवारों में रखने की जरूरत नहीं है, ओपन बोलो ये लोग है इन अंदर जाते, एक सेकंड अम्मा उन्हों अंदर जाते, इसके पीछे कौन है उमर ये बोलो, किसके ऊपर आपको डाउट है। मैं इमीडिएटली आप अभी आपके सामने डीजीपी कमिश्नर सबसे बात करता हूं, उसके बाद में एक्शन नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करना है वो काम करेंगे। पहले शुरुआत में नरमी से जाएंगे, मोहब्बत से जाएंगे, आजीजी से जाएंगे, कानून की इज्जत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मेरे को तेलंगाना पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, चलो पहले उन्होंने काम नहीं करे चलिए मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर अगर से आपने काम करे तो आप सब साथ फिरोज खान है उसके हम वही है। ये तो नामा है, ये तो जो मारे शक किसके ऊपर है इन्हीं पे है, क्योंकि वो बार बार जो है बाबा जी नाम लेता रहा, कविता इंद्रानी के खिलाफ बार बार बोलता रहा, ओके आरती के खिलाफ बोलता रहा, सादी फैमिली के बारे में बोलता रहा, अहमद सादी, अहमद तो ओके अच्छा अब्दुल्ला सादी का साला मारा इनको, ओके है ना, अब्दुल्ला सादी का साला मारा, ओके फिलहाल होना वो महसूदी साहब आना, डीजीपी साहब आना, मेरे को बोलना इसके पीछे के लोगों को मैं जो है सो बरोबर सामने लूंगा, बल्कि खून देंगे उल्ला फिरोज भाई, उसके बाद में मैं ऐसे उठूंगा, सुनिए सुनो जब तक मैं ऐसे रहूंगा, ये जितने भी चरण है लाइफ लाइफ नहीं साधक भाई वैसी बात नहीं है जी, 10 बार बोला जी साधक भाई, उन्हें 10 बार बोला उन्हें इकबाल बिन खलीफा, अब नाम किसकी किसी डाले नाम बोलते जाओ, इकबाल बिन खलीफा, शालिम बिन खलीफा, अहमद बिन हजब, एक एफआईआर आपके पास, एक सेकंड पहले आप जो नामा बोले उसके बाद में एफआईआर में क्या नामा है अपन बाद में टैली करेंगे। आप नामा किसके किसके बोले पहले, अब्दुल्ला सादी, नेक्स्ट इकबाल बिन खलीफा, चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, राइट नो प्रॉब्लम, उनका बेटा सालूम बिन खलीफा, अहमद बिन हजर, एक सेकंड एक सेकंड, सालूम बिन, सालूम एल यू एम, इसके साथ और 3 जने थे, राइट प्लस 3 के पीछे मास्टरमाइंड अक्का और अक्का का भी, ओके आपका डाउट है सविता इंदर रेड्डी और कार्तिक के ऊपर, राइट जी, किसके किसके नाम डाले देखना है भैया, आराम से नामा बोलो, वालिद
सालम बामसूद, सलमान बामसूद, सलमान बामसूद है। हाँ ये है अहमद सादी का बेटा, इसका नाम लिखे ना आप, अब्दुल्ला सादी। आए अब्दुल्ला सादी, हाँ। केस में है? हाँ। कल की नहीं, इकबाल बिन खलीफा भी बोली हमें आपको। कब किया ये? 2 तारीख। कल की नहीं दी आप, कल कंप्लेंट कर कल की फोटो नसीर मामा अब्दुल्ला सादी एफ आई आर में डाले। एफ आई आर वसीम नसीर मामा का फोन लगा। सादी अहमद सादी सालिया सादी, एक सेकंड, एफ आई आर में है वो? हाँ। सालिया फैमिली सादी फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स, वो लिखा हुआ अदर्स बोल के डाले। हाँ एंड देयर फ्रेंड्स। कितों का अक्यूज बनाया ना? 7 जनों को बनाया, 8 जनों को बनाया? 5 भाई उनके हाथ में है। एक टाइम करो, थर्मल सर्कल को बुलाओ। ऐसे बोला है अब बोला सबिता इंदिरा रेड्डी किसमें? एफएन होता इंस्पेक्टर साहब। हेलो भाई, वालेकुम सलाम। जरा इधर आइए आप, क्या बोलते हैं हमारे सईद की बॉडी के पास आइए, मैं हूँ, जरा कुछ बात करना है आपसे। हाँ मैं आया, आइए। राइट अब कितने जितने भी 7 नाम लिए पुलों को ले लिया, इसमें अहमद आबिन अजब। लाइन ऑफ एक्शन है बट क्या है आज इतना जज्बात है, जज्बात है तो कम कर आपको भी रिलीज मिलता, हम आपको भी रिलीज मैं बोल देता हूँ तो अच्छा इन लोग को आप जब भी मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करते जी सर पुलिस रिमांड में लेते हैं कितने 10 दिन का 15 दिन का 100% का पुलिस कस्टडी में रहता है। हाँ 100% 10-12 डेज डालते सर, 10-12 डाल के पुलिस कस्टडी में कस्टडी में रहते सर। अच्छा और एक सर रिक्वेस्ट सर, पूरे शहर में इंक्लूड है, इसमें एंटीसिपेटरी मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता। आई नो तो अब ये जो अक्यूज है जी सर, अब इनकी कॉन्स्पिरेसी जानने के लिए करना है। हाँ जानने के लिए लाइन ऑफ एक्शन करना है, टेक्नोलॉजी करना है। ओके राइट, तो आप जब इसको कस्टडी में जब इसको लिए तो क्या बोल रहा अभी ब्रेक नहीं हुआ, हमें सवाल से 3-4 घंटे में डायरेक्ट पीएम ही मैच कराया सर। राइट अभी सर बिजी है, फोन करिए। राइट ओके भाई साहब, खामोश बैठो भाई। इंस्पेक्टर साहब का बोलने का क्या मतलब है, ये पूरे अक्यूज में एक जने अभी कस्टडी में है, पूरों को हम ला लेते और जिस तरीके से आप बोल रहे थे पुलिस रिमांड 14 दिन का मिलता, मगर मजिस्ट्रेट 10-11 दिन देता, पूरों को लेके आते पुलिस रिमांड में रखते। जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिस तरीके से कौन इसके पीछे है उसके तल तक जाएंगे हम, टोटल कॉपरेट करते और एक भी बंदे को चाहे कितना भी पॉलिटिकल पावर रहें दो हम उसको ब्रेक करना है। कमिश्नर साहब भी सेम बात बोले, डीसीपी साहब भी सेम बात बोले, तो हम उसको ब्रेक करते। आप लोग मेहरबानी करके हमारे से कॉपरेट करो,
यहाँ बोला भाई।